मेरा सिर्फ इतना डिमांड है कि आजादी के पहले से 1940 डायरेक्ट एक्शन डे के टाइम से यहाँ पे रेप को एक पॉलिटिकल वेपन की तरह यूज किया गया है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो करंट गवर्नमेंट है ये सिस्टम खत्म होना चाहिए, बंगाल में कम्युनल पॉलिटिकल इलेक्टोरल वायलेंस खत्म होना चाहिए एंड वी हैव टू मेक बंगाल ग्रेट अगेन एंड दैट इज पॉसिबल ओनली जो करंट पॉलिटिकल सिस्टम है वो पूरा चेंज हो। कुछ होता है संदेश खाली में हुआ, कुछ अभी आपके यहाँ कोई कुछ बोल रहा है, लोग तो इसको कवर अप करने में लगे हुए हैं, लोग तो डायरेक्टर को ट्रांसफर करने में, एफआईआर लेट करने में, इन सब में लगे हुए हैं। इसका इंस्टेंट इमीडिएट इसका एक्शन लेना चाहिए था एंड दिस गवर्नमेंट हैज फेल्ड कंप्लीटली। बट आई एम हियर बिकॉज आई वॉन्ट लॉट्स ऑफ यंग पीपल, दे हैव बीन आस्किंग मी, आई वांट देम टू फील इंस्पायर्ड दैट यस इफ आई कैन स्टैंड हियर एंड प्रोटेस्ट दे कैन ऑल्सो टू। पुलिस का बहुत शेमलेस, एफआईआर एक लड़की के रेप और मर्डर में जिसका सुबह पता चला रात को क्यों हुई, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है पुलिस हैज फेल्ड। व्हाई इज पुलिस सेंडिंग एफआईआर एंड द नोटिसेस टू पीपल आउटसाइड बंगाल हु आर राइटिंग अबाउट इट, डू यू नो दैट? मतलब गिल्ट है ना, एक जो जिस आदमी के अंदर गिल्ट होता है वही लोगों को बोलने से मना करता है, वरना फ्री स्पीच से। इनफ इज इनफ, यूजिंग रेप एंड क्राइम अगेंस्ट वुमेन एज अ पॉलिटिकल वेपन मस्ट बी स्टॉप्ड एंड वी हैव टू रिक्लेम द लॉस्ट ग्लोरी ऑफ बंगाल, वी हैव टू मेक बंगाल ग्रेट अगेन इफ यू वॉन्ट इंडिया टू सक्सीड।